नमस्कार, सलाम। मैं जय भारत शर्मा। आज हर पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक वो चीज लेके आया हूं जिसके बारे में हर स्टूडेंट को जानना जरूरी है। एक ऐसे एग्जाम के लिए के बारे में जान बताना चाहता हूं जिसको क्लियर करने के बाद बच्चा मिनिमम 1.5 लाख कमा सकता है। यस, मिनिमम 1.5 लाख का है, मैंने मिनिमम कहा है, इसमें तो उससे ज्यादा तो कमाएगा ही कमाएगा। और कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई के पार्ट में एक बहुत बड़े लेवल पे आत्मनिर्भर बन सकता है। अब आप सोच रहे हो कौन से एग्जाम की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं NTSC के बारे में, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम, राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा। जहां सुना होगा आप लोगों ने, मैं इसके बारे में कुछ आपको और क्लियर कर दूं कि NTSC जो कि भारत में एक सबसे बड़ी लेवल पर छात्रवृत्ति एग्जाम है, मतलब स्कॉलरशिप प्रदान करने वाला भारत का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम है। इस एग्जाम को बेसिकली जो ये NTSC पेपर है, ये इसका मकसद है कि उच्च बौद्धिक और शैक्षिक योग्यता वाले बच्चों को ढूंढ के निकालना, जिन बच्चों का दिमाग बहुत शार्प है या जो पढ़ाई में बहुत एक्सपर्ट है या पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट है, उन बच्चों को ढूंढ के निकालना। अब बात यह है कि पेपर करा था कौन? ये पेपर का पूरा गाइडलाइन और संचालन होता है NCERT द्वारा, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। Yes, अब बात ये पेपर देगा कौन? हर बच्चे के दिमाग क्वेश्चन लगा, ये पेपर दे कौन सकता है? ये पेपर वो बच्चे दे सकते हैं जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। पूरे भारत में कोई भी बच्चा जो किसी भी सरकारी या गैर सरकारी, प्राइवेट, नवोदय, सैनिक स्कूल, कॉन्वेंट स्कूल, किसी भी सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से पढ़ रहा हो, 10वीं कक्षा में हो, वो बच्चा इस पेपर को दे सकता है। अब मैं थोड़ा सा और बताऊं आपको इस बारे में, NTSC एग्जाम है क्या, इसकी चयन प्रक्रिया क्या है। NTSC एग्जाम की चयन प्रक्रिया 2 स्टेज में होती है, स्टेज 1 स्टेज 2। NTSC स्टेज 1 की जो प्रक्रिया होती है राज्य स्तर पर होती है, राज्य स्तर के जो बोर्ड होते हैं वो इस परीक्षा को आयोजित करते हैं और इसमें से जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं वो बच्चे स्टेज 2 में जाते हैं और स्टेज 2 की परीक्षा आयोजित की जाती है NCERT द्वारा, जिसमें से चयनित बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। अब सवाल उठता है कि कितने बच्चों को स्कॉलरशिप दी जाती है। आज करंट गाइडलाइंस के हिसाब से पूरे भारत में से हर साल 2000 बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है स्कॉलरशिप देने के लिए, 2000 बच्चों को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको चयन प्रक्रिया के बारे में दोबारा से एग्जाम्पल बताता हूं। अगर एक बच्चा राजस्थान का स्टूडेंट है और 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है, तो 10वीं कक्षा में जब पढ़ रहा है तो राजस्थान का स्टूडेंट है, तो उसका जो स्टेज 1 का पेपर है उसे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान संचालित करेगी और इसके रिलेटेड यदि उसको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इसकी एक वेबसाइट है जहां पे नोटिफिकेशन या कोई भी एग्जाम्स कब भरने, कब क्या लास्ट डेट है, इसकी सारी इंफॉर्मेशन उसे www.rajedubord.rajasthan.gov.in पे मिल सकती है। ऐसे हर स्टेट के बोर्ड द्वारा स्टेज 1 की परीक्षा आयोजित की जाती है। अब बात करते हैं कि ये परीक्षा है क्या, परीक्षा में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं या परीक्षा किस तरीके से आयोजित की जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ये परीक्षा होती है, मैं बात करूं NTSC स्टेज 1 की, NTSC स्टेज 1 में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 को कहा जाता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, पेपर 2 को कहा जाता है सेट स्कॉलरस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। पहले बात करता हूं मैं पेपर 1 की, जिसे हम लोग मैट के नाम से जानते हैं, मेंटल एबिलिटी टेस्ट। इस पेपर में पूरे जो 100 क्वेश्चंस आते हैं वो रीजनिंग पर रिलेटेड होते हैं, तर्क शक्ति,
रीजनिंग पर रिलेटेड होते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग पर। कितने मार्क्स के हैं? हर क्वेश्चन एक मार्क्स का है, 100 मार्क्स का पेपर है ये। कितने घंटे का पेपर है? 2 घंटे का पेपर होता है। ये तो हो गए हमारे पेपर 1 के बारे में। पेपर 2 के बारे में जाने हम लोग, तो पेपर 2 का जो पेपर है हमारा, वो हमारा होता है सेट का स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 मार्क्स का पेपर होता है, 2 घंटे तक पेपर चलता है। अब सबसे बड़ी बात है, सेट में आता क्या है? सेट के पेपर में 3 पार्टीशन किए गए क्वेश्चंस के। 100 क्वेश्चन को 3 पार्ट में तोड़ा गया। पहला पार्ट है साइंस का, जिसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। साइंस के अंदर भी पार्टीशन किए गए 3, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। फिजिक्स के टोटल क्वेश्चन आते हैं 13, केमिस्ट्री के टोटल क्वेश्चन आते हैं 13, बायोलॉजी के टोटल क्वेश्चन आते हैं 14, इस कुल मिला के हो गए 40। साइंस के विज्ञान से 40 क्वेश्चन आते हैं। बात करें गणित की, मैथमेटिक्स की बात करें, तो उसमें से 20 क्वेश्चन आते हैं। बात करें हम लोग सोशल स्टडीज की, तो सोशल स्टडीज में से भी 40 क्वेश्चन आते हैं, और इसका भी पार्टीशन 4 पार्टीशन किए गए। पहला पार्टीशन, जैसे कि 4 पार्टीशन किस तरीके से हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस में से 11 क्वेश्चन आते हैं, और इकोनॉमिक्स में से 7 क्वेश्चन आते हैं। ये हो गया हमारा पार्ट, जैसे एग्जाम का किस तरह का लेआउट है। अब बात करें कि इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। स्टेज 1 और स्टेज 2 के पेपर में, दोनों ही पेपर में अलग अलग से आपको पास होना जरूरी है, लेकिन पास होने का परसेंटेज क्या है? अगर कोई बच्चा SC या ST या फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी में आता है, तो उस बच्चे का 32% मार्क्स लाना जरूरी है, अगर वो अवार्डीज में आना चाहता है, मेरिट में आना चाहता है। इसी तरीके से यदि कोई बच्चा जनरल कैटेगरी में, ओबीसी कैटेगरी में, या EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी में है, तो उसका मिनिमम 40% मार्क्स लाना जरूरी है सिलेक्शन लिस्ट में आने के लिए। इसके अलावा और बात करूं मैं, तो टोटल जो ये पेपर होता है, ये MCQ बेस्ड होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा जो पार्ट है, मैंने आपको बताया कि मेट्रो सेट के टोटल मार्क्स को मिलाकर मेरिट बनाई जाती है। एंड द मेन पार्ट इज दैट, सबसे खुशखबरी की बात यह है कि इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग इन NTSC स्टेज 1 एग्जाम। तो इट इज वेरी बेटर टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द एग्जाम। अब बात करते हैं कि ये पेपर हम दे क्यों, हमें क्या बेनिफिट मिलने वाला है इस एग्जाम से। अगर मैं बेनिफिट की बात करूं, मैं इसके क्या, हमें इसके फायदे क्या मिलने वाले हैं, तो सबसे पहले फायदे की बात करता हूं मैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक बच्चा अपने एजुकेशन लाइफ के लिए आत्मनिर्भर बन सकता है, क्योंकि वो अपनी पूरी एजुकेशन लाइफ में 1.5 लाख मिनिमम कमाता है। कैसे? अगर कोई बच्चा स्टेज 2 के एग्जाम क्लियर कर लेता है, तो उस बच्चे को 11वीं और 12वीं में जो पढ़ रहा है, वो 11th 12th में हर महीने उसे 1250 रुपए स्कॉलरशिप मिलती है। और वही बच्चा जब ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में जाता है, तो उसको ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हर महीने 2000 रुपए की स्कॉलरशिप मिलती है, जो एक वे में अपने बहुत बड़ा योगदान है। और जब वही बच्चा आगे PhD की तैयारी करता है, या PhD पढ़ रहा होता है, मतलब PhD कर रहा होता है, उस समय उसको जो स्कॉलरशिप मिलती है, वो UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसे मिलती है स्कॉलरशिप। ये अपने आप एक बहुत बड़ा फायदा है। इसके अलावा मैं दूसरे फायदे की बात करूं आपसे, तो दूसरा फायदा यह है कि हमारे देश की 10th 10th क्लियर करने के बाद, यदि हम NTSC क्वालिफाइड स्टूडेंट हो, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे भारत में बहुत बड़ी ऐसी शैक्षिक मतलब गवर्नमेंट से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जो कि बच्चे को JEE और नीट की तैयारी करवाते हैं। उन JEE और नीट की तैयारी करने वाले लोगों की नजरें, गिद्ध की तरह नजरें किन बच्चों पर होती है, जो बच्चे NTSC क्वालिफायर्स हैं। उन बच्चों को ना ही ये लोग फ्री में एजुकेशन देते हैं, बल्कि उनकी पूरी स्टेशनरी का खर्चा, 50% खर्चा उठाने को तैयार बैठे रहते होते हैं। पहला आपका आगे की तैयारी फ्री। दूसरी फायदे की बात करूं मैं आप लोगों से, तो दूसरे फायदे की बात है, जो कि आपको बात कर रहा हूं मैं, IIT दिल्ली की, IIIT दिल्ली की। IIT दिल्ली में यदि आप एडमिशन लेना चाहते हो, और आपने JEE मेन्स का पेपर दिया है, और आप NTSC क्वालिफाइड भी हो, तो मेरिट लिस्ट में आपको 6 मार्क्स का बोनस मिलता है।
कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का बोनस मिलता है आपके जेई मेंस के मेन मार्क्स में जोड़ करके 6 मार्क्स जुड़ते हैं। और आप भी जानते हो कि आज के कॉम्पिटिशन के एटमोसफेयर में हर एक मार्क्स की कितनी वैल्यू है, तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। तीसरे फायदे की बात करूं मैं आप लोगों को कि यदि कोई बच्चा फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है तो आपको बता दूं कि फॉरेन यूनिवर्सिटी स्पेशल प्रेफरेंस तो उन बच्चों को देती है या प्रायोरिटी देती है जो बच्चा एनटीएसी क्वालिफायर है। चौथे फायदे की बात करूं मैं तो अगर आप कोई भी एनडीए की तैयारी कर रहे हो, एसएसबी के ले जा रहे हो, तो वहां पे भी इस बच्चे को स्पेशल प्रेफरेंस या प्रायोरिटी मिलती है। पांचवें फायदे की बात करूं मैं तो आगे जाकर आप जॉब के लिए कहीं जाओगे आगे लाइफ में या कोई भी इंटरव्यू फेस करते हो, चाहे वो गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट सेक्टर का हो, वहां पे भी आपको एक स्पेशल प्रेफरेंस मिलेगा। कुल मिला के मेरा मकसद आप लोगों को एनटीएसी के बारे में अवेयरनेस का है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम हमारे भारत के द्वारा सर्वोच्च छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप एग्जाम है। अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारे देश में क्योंकि एक ऐसा एग्जाम है जो किसी अमीर गरीब को नहीं देखती, क्योंकि बुद्धि किसी पैसे की गुलाम नहीं होती और बुद्धिमान कहीं भी मिल सकता है, किसी भी छत के नीचे मिल सकता है, लेकिन फर्क यह है उसके पास ये मैसेज पहुंचना। जय हिंद, जय भारत।